अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराओ और गृह प्रवेश करो। अरे जरा संभाल के, इतनी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोटा है तुम्हारे सास के उसूल नहीं जो ऐसे उड़ा रही हो। छोड़िए ना ये सब, तुम दोनों चलो आओ अंदर आओ। देखा कैसे घुरा तेरे बहू ने। पुष्पा इसे थोड़ा टाइट करके रखना वरना कहीं तुझे भी ये लोटे जैसा ना उड़ा दे। ऐसे कभी नहीं होगा। जी 8 बज चुके हैं और महारानी अब तक उठी नहीं है। जा जाकर दरवाजा पी। क्या मम्मी तुम भी रहने दो ना। अरे क्या रहने दो, अगर इस तरह मैंने अपनी पकड़ को ढीली कर दी ना तो कल को ये मेरे सर पे आके बैठेगी, समझी? जा। अरे हमें क्यों फंसा रही हो? जा कहा ना मैंने। जा रही हैं। प्रिया 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 8 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या प्रिया? अरे मम्मी बुला रही हैं। प्रिया, जिस घर की बहू 8-8 बजे तक सोती रहेगी उस घर में लक्ष्मी माँ भूले से भी नहीं आएगी। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? हर किसी का सोने का और जागने का टाइम अलग अलग होता है। मैं रात को देर से सोती हूँ इसलिए सुबह नींद भी देर से खुलती है। तो अपनी ये गंदी आदत बदल दो। और हाँ, शाम को मैंने बहू के रसोई की रस्म रखी है जिसमें मैंने सरिता और कुछ जानने वाले लोगों को खाने पे बुलाया है। खाना अच्छा बनाना, बस उसमें 3-4 सब्जियां होगी और मीठा कुछ अच्छा होना जरूरी है। और एक शाम को साड़ी जरूर पहन। अरे प्रिया, वो तुमने जो मटर पनीर बनाया था वो तो लेकर आओ। हाँ हाँ अभी लाई। क्यों संगीता बेटा, जमाई बाबू नजर नहीं आ रहे? अरे आंटी वो उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया इसलिए तो वो शादी में भी नहीं आए। खैर आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि खाना कैसा बना है। अरे खाना तो लाजवाब बना है, खाने वाले का पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपकी बहू के हाथ में तो जादू है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। बहुत ही भाग्यशाली हो आप तो। पुष्पा तेरी बहू तो तेरे से 2 कदम आगे निकली। दीदी खाना तो बहुत ही बढ़िया था, बस अब हम सबको इजाजत दीजिए। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं, अभी तो स्पेशल आइटम आना बाकी है। पुष्पा अपनी स्पेशल सौंफ लेके आना तो। चलो आओ बैठते। बैठो बैठो, घर जाके भी क्या करोगे तुम लोग। पुष्पा तेरी बहू तो तेरे से 2 कदम आगे निकली। संदीप
तूने बहू के रसम का खाना होटल से मंगवाया? मम्मी क्या कर रहे हो? बाद में बात करते हैं। अरे बाद में क्या बात करेगा तू मुझसे? इसकी बचाव में कसीदे पड़ेगा। एक तो इस संस्कारहीन लड़की को मेरे मर्जी के खिलाफ तू इस घर में ब्याह कर ले आया और अब उसके साथ मिलकर इतनी पवित्र रस्म को तूने धज्जियां उड़ा दी। मेरा तो नसीब ही खोटा है कि ऐसी निकम्मी और नकारा औरत इस घर की बहू बन गई है। पुष्पा, ऐसी निकम्मी लड़कियां अपने पतियों पे मोहिनी मंत्र भारना अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो कैसे पीछे पीछे भाग गया ये संदीप उसकी। चलो सब, हो गई रस्में, हो गया खाना, चलिए आओ। अरे यार मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ बिजी थी? कुछ नहीं, अपने लिए जॉब सर्च कर रही थी। ये क्या है? ये कोरियर आया, हम दोनों के नाम का था तो मैंने सोचा साथ खोलते हैं। क्या है इसमें? हाँ अभी देख लेते हैं। यार ये तो हनीमून पैकेज है, वो भी एयर टिकट्स के साथ। क्या? ये तो गोवा का हनीमून पैकेज है, वो भी एक हफ्ते का। मेरी मॉम ने दिया है, सरप्राइज है उनकी तरफ से। सच में मजा आ गया, मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। गोवा जाएंगे, इतना मजा आएगा ना। क्या बात है, क्या हुआ? अब मम्मी, वो प्रिया की मम्मी ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है, कल ही गोवा के लिए निकलना है। कल? तुम लोग कल कैसे जा सकते हो? क्यों? हर बार की तरह तुम्हें इस घर के रस्मों रिवाजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। इस घर के दुल्हा दुल्हन 21 दिन पूरे होने तक कहीं बाहर नहीं जा सकते, और अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। पर मम्मी ये सब पुराने रीति रिवाज है, अब ऐसा थोड़ी होता है। हाँ क्योंकि मैं पुरानी हूँ इसीलिए पुरानी बातें करती हूँ। मेरी सास ने जो मुझे सिखाया वो तुम्हें करना पड़ेगा। पर मम्मी ये जबरदस्ती हुई ना, सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। तुम्हें जो चाहे समझना है समझो, कल कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझे? खुश रहो, जीते रहो। मम्मी हम लोग चलते हैं। संभल के जाना। चले तेरी नाराजगी और इतना रोकने के बावजूद भी तेरी बहू तेरे बेटे को उड़ा ले गई। पुष्पा अपनी पकड़ मजबूत कर, वरना मेरी तरह तेरा बेटा भी अपनी बीवी के बहकावे में आकर कहीं तुझे हमेशा के लिए छोड़ के उड़ ना जाए। उड़ने दो उसे थोड़ा बहुत, पर जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। चलो देखते हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।